नमस्कार, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं सब न्यूज़। आज हमारे साथ एडवोकेट सुरेश चंद्रा जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब पूछना चाहेंगे कि बाबा साहब के पोस्टरों में, तस्वीरों में और मूर्तियों में उनके हाथों में किताब देखने को मिलती है, उससे क्या तात्पर्य है? देखिएगा, बाबा साहब हमारे लिए पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। और बाबा साहब ऐसे ही नहीं हैं, उन्होंने इस देश के लिए जो सर्वोपरि संसार का सिद्धांत है, सुखद जिंदगी, सुखद अनुशासन, सुखद प्रशासन, इस तरह का व्याख्या भारत को संविधान दे करके, संविधान रूपी जो हमारी पुस्तक है, जो आदर की पात्र है, उस संविधान को बाबा साहेब के हाथों में दिखाया जाता है। और वो इसलिए दिखाया जाता है कि गैर समझें या न समझें, बाबा साहेब के वंशज आज ये जान जाएं कि अगर इस देश को चलाने की नियमावली, तरीका, अनुशासन पूर्ण तरीका अगर कोई है तो वो भारत का संविधान है। और भारत का संविधान बनाने में किसी और ने रत्ती भर भी मदद नहीं की है। 7 आदमी संविधान सभा में, कोई मर गया, कोई कहीं चला गया, कोई बीमार हो गया, किसी ने रोल नहीं किया, किसी ने कहना नहीं माना, फकत मेरे बाबा साहेब ने उस संविधान को लिखा। तो और किसी के चित्र में उस संविधान को दिखाने का कहीं औचित्य नहीं बनता है। अगर ऐसा हो जाता तो ये लोग नहीं मानते, मनवादी व्यवस्था के लोग नहीं मानते, ऐसा काम करते। तो बहुजन समाज के लोग जब भी बाबा साहेब को देखते हैं तो बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान हमारी निगाह में हमारे लिए पूजा की किताब है, ग्रंथ है। और सही मायने में कह दूँ तो बाबा साहेब हमारे गुरु और संविधान हमारा ग्रंथ, तो गुरु ग्रंथ साहब है, इस तरह का पूजा की पात्र है। तो वो पहचान इसीलिए है कि इनके निर्माता, इसके रचयिता, इसके लिखने वाले बाबा साहेब रहे हैं। तो बाबा साहेब की पैदाइश, जैसे मेरा कोई बच्चा है, छोटा है, बेटा है, बेटी है, मैं उसको हाथ पकड़ करके चलता हूँ, मेरी पहचान बनती है कि इस बच्चे का ये कोई ना कोई मुखिया है, पालक पोषक है। तो ठीक उसी प्रकार से बाबा साहेब के सिद्धांतों पर बना हुआ संविधान, बाबा साहेब के द्वारा बनाया हुआ संविधान बाबा साहेब के हाथ में ही तो शोभा देता है। इसलिए बाबा साहेब के फोटोग्राफ में टाई सूट बूट और उनका लिखा हुआ संविधान दिखाया जाता है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।